जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 1 ऑफ सोशल साइंस, नॉर्थन माउंटेन। लैनवल, पेज नंबर 155। द नॉर्थन माउंटेन इंक्लूड द हिमालयाज एंड द कोराकोरम माउंटेन रेंज। हिमालयाज एंड कोराकोरम माउंटेन रेंज, दिस स्ट्रेच क्रॉस द नॉर्थन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो ये किसके बारे में बताया गया है? हमारा जो चैप्टर है नॉर्थन माउंटेन, उसके बारे में, कि इसमें कौन कौन सी, एक तो हिमालय रेंज है, एक कराकोरम माउंटेन रेंज है, और ये कहाँ से कहाँ तक, ये जो हमारे इंडिया का ये जो मैप है, इसमें जो हमारी ये नॉर्थन बाउंड्रीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पूरा फैला हुआ है। ओके, तो देखिए इसमें आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ये कैराकोरम रेंज है, और ये जो हमारा है ये पूरा नॉर्थन है। इसमें तीन अलग अलग हमारी हिमालय की रेंज हैं, वह हम आगे अभी देखेंगे। द हिमालय रेंज इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। कौन सी है हाइएस्ट माउंटेन रेंज? हिमालय रेंज, ठीक है। द वर्ल्ड हिमालय मीन्स डोब ऑफ स्नो, मीन्स बर्फ से या ढका हुआ। मोस्ट ऑफ द हिमालयस पीक रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी जो पीक यानी कि शिखर की जो चोटियाँ हैं वो किससे कवर्ड रहती हैं थ्रू आउट द ईयर? बर्फ से ढकी हुई। द हिमालय रेंज इज द इन इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। मीन्स यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ये हिमालय रेंज, कहाँ से? नॉर्थ से, और पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ तक ये पूरी स्ट्रेच हैं, फैली हुई हैं। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंज। कितनी रेंज है? थ्री पैरेलल रेंज है हिमालय में। अब कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास द ग्रेटेस्ट ग्रेटर हिमालयस यानी कि हिमाद्री, द लेसर हिमालयस वेल नोन एज हिमाचल रेंज, एंड द आउटर हिमालयस शिवालिक रेंज। तो हमने यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स देखे हैं वो कौन कौन से? पीक, पीक का मतलब होता है शिखर या चोटी, पैरेलल यानी कि समकालिक, और ये समानांतर चलने वाली जो रेंज है वो। तो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, सबसे पहले ये है ग्रेटर हिमालयस, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो है आपका लेसर हिमालयस, और पर्पल वाला ये कौन सा है? हमारा आउटर हिमालयस। द सेवरल ग्लेशियर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन्स। ये जो पर्वत है वहाँ से क्या बहुत सारे ग्लेशियर ओरिजिनेट होते हैं। अब सबसे पहले ग्लेशियर होता क्या है? ग्लेशियर होता है ह्यूज मासेस ऑफ आइस मूव डाउन द माउंटेन स्लोप विच आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। मींस बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में क्या होती है? आइस होती है जो कि मूव डाउन करती है माउंटेन से। क्यों? क्योंकि माउंटेन कैसे होते हैं? स्लोपी होते हैं, तो फिर वो जो आइस है वो बहुत एक्स में नीचे आती है, और इन्हीं को ग्लेशियर्स कहते हैं। और जब ये प्लेन पे आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, और जिससे ये रिवर के रूप में बहते रहते हैं। मीन्स पूरा साल ये हिमालय में, हिमालय से जो ये ग्लेशियर्स हैं इनसे पानी नीचे रिवर के रूपानी के रूप में आता है, ठीक है। द मैनी रिवर सच एज गंगा यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो ग्लेशियर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं? ह्यूज मासेस ऑफ आइस, आइस के बहुत बड़े बड़े मासेस होते हैं, और जो प्लेन्स पे आने के बाद मेल्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? सनलाइट के कारण, और मेल्ट होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारी हमारी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, जैसे गंगा यमुना। माउंट एवरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 8,850 मीटर इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयस। जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी जो हाइएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट कितनी है? 8,850 मीटर। इट इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड इन नेपाल। अभी वर्ल्ड की सबसे हाइएस्ट पीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में। ये पार्ट तो हिमालय का ही है पर ये लोकेटेड है नेपाल में। ओके,
फर्स्ट द ग्रेटर हिमालयस यानी कि हिमाद्री रेंज, द हिमाद्री बींग द लॉन्गे वेट ओके द हिमाद्री बींग द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस द हिमाद्री बींग द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज डोमिनेट लार्ज सेक्शन ऑफ हिमालयस। क्या करती है ये जो हिमाद्री रेंज है वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है, हिमालय के लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूट माउंटेन रेंज आप इसको बोल सकते हो। हिमाद्री इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज माउंटेन रेंज या नॉर्थ मोस्ट रेंज, तो ये जो पूरा नॉर्थ का है ये क्या है हमारी हिमाद्री रेंज है, जैसे कि आपने पहले भी मैप में देखा था। द रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एज इट रिसीव हैवी स्नोफॉल, तो ये जो रेंज है कौन सी हिमाद्री रेंज, इसमें क्या है बहुत हैवी रेनफॉल सॉरी स्नोफॉल होता है, इसलिए ये पूरा साल कवर्ड रहती है स्नो से। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक अबोव 8000 मीटर आर माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा आर फाउंड हियर, तो जो 8000 मीटर की ऊंचाई पे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन कौन सी है, एक तो माउंट एवरेस्ट है जो कि हमारी हाईएस्ट पीक है और उसके अलावा है कंचनजंगा। ठीक है, फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस रीजन, फार्मिंग क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि थ्रू आउट ईयर तो स्नोफॉल होती रहती है तो फार्मिंग कैसे होगी। दिस रेंज इज अ रीजन ऑफ परपेचुअल स्नो कवर, मीन्स परपेचुअल होता है लगातार, द मिडल एंड द लेसर हिमालयाज यानी कि हिमाचल रेंज द हिमाचल रेंज इज लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक, मीन्स जो मिडल हिमालयाज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में है। द हिमाचल इज लोअर देन हिमाद्री, द माउंटेन रेंज हैज़ सम ब्यूटीफुल वैलीज सच एज चंबा कुल्लू एंड कांगड़ा, कौन सी रेंज में है ये सारी ब्यूटीफुल वैलीज, ये है हमारी हिमाचल रेंज में चंबा कुल्लू और कांगड़ा। द फेमस हिल स्टेशंस शिमला मसूरी नैनीताल अल्मोरा दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रेंज, ये जो हमारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं और जो फेमस भी हैं बहुत, ये भी सारे हमारे हिमाचल रेंज में आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, शिमला है मसूरी है नैनीताल है अल्मोरा और दार्जिलिंग। पीपल फ्रॉम प्लेन्स विजिट दीज हिल स्टेशंस टू एस्केप द समर हीट, तो लोग वहाँ पे कब जाते हैं विजिट करने के लिए, जब वो अपने प्लेन एरिया में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस गर्मी से बचने के लिए लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं। ओके, द हिमाचल रेंज हैज़ थिक फॉरेस्ट दैट कवर्ड विद पाइन ओक देवदार एंड फर ट्रीज, तो जो हिमाचल रेंज है उसमें ये सारे ट्रीज़ भी मिलते हैं और थिक फॉरेस्ट मीन्स खूब भरे हरे भरे जंगल होते हैं वहाँ पे। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, मीन्स यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए भी सूटेबल है ये प्लेस। विंटर आर कोल्ड एंड समर आर कूल एंड प्लेजेंट, विंटर में तो कोल्ड होती ही है, जो समर होती हैं वो टाइम पे भी वहाँ पे कूल और प्लेजेंट वेदर रहता है, मीन्स गर्मी नहीं होती, इसीलिए तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं ना गर्मियों में। द लोअर स्लोप ऑफ दिस रेंज हैव ऑर्चर्ड्स, तो ये जो इस रेंज के लोअर स्लोप्स हैं वहाँ पे क्या होती हैं बागबानी होती है, ऑर्चर्ड्स होते हैं बाग, तो वहाँ पे किन चीज़ों की होती है, जैसे टी प्लांटेशन होती है, टी प्लांटेशन फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज, तो हिमाचल रेंज में ही जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे आपका असम वगैरह आता है वहाँ पे क्या होती है हमारी टी प्लांटेशन होती हैं, मीन्स चाय की खेती होती है वहाँ पे। ओके नाउ नेक्स्ट।
द आउटर हिमालयस यानी कि शिवालिक रेंज. द नेम शिवालिक इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा. तो जो शिवालिक शब्द है या जो नाम है वो एक संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है भगवान शिव से संबंधित. द शिवालिक आर द लोएस्ट एंड नैरोएस्ट रेंज इन द एंटायर हिमालय रेंज. मीन्स जो पूरा हिमालय की रेंज है उसमें शिवालिक जो रेंज है वो क्या है, पतली भी है और सबसे नीचे भी है. इसी को तो इसीलिए तो इसको आउटर भी बोलते हैं ना, आउटर हिमालयस. द शिवालिक एंड द हिमाचल रेंज आर सेपरेटेड बाई डीप एंड नैरो वैलीज कॉल्ड ड्यून्स. तो जो हिमाचल रेंज है और शिवालिक रेंज है वो दोनों अलग होती हैं किसके द्वारा, एक पतली और गहरी घाटी से. देहरादून इज वन सच एग्जाम्पल. ये जो आपको दिखाया गया है देहरादून सिटी, ये एक ड्यून ही है, मतलब उसका एक एग्जाम्पल ही है ड्यून्स का. दीज स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड अ वराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन फाउंड एयर. तो यहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं और जीव जंतुओं की बहुत सारी वराइटीज पाई जाती हैं. नेक्स्ट इज द ट्रांस हिमालय रेंज. द ट्रांस माउंटेन रेंज लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज बियॉन्ड द रिवर इंडस. तो मीन्स जो हमारा ट्रांस हिमालय रेंज माउंटेन की जो रेंज है वो कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में, इस तरफ नॉर्थ और ये वेस्ट इस तरफ वाली है और यहीं पे हमारी इंडस रिवर भी है. दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ मैनी माउंटेन रेंज. इस रीजन में भी बहुत सारी माउंटेन रेंज हैं. ठीक है, द केटू और माउंट गॉडविन ऑस्टिन. इसको बोला जाता है केटू को ही बोलते हैं. माउंट गॉडविन ऑस्टिन द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज ऑफ द कराकोरम रेंज. तो जो हमारी ये कौन सी है, सेकेंड हाइएस्ट पीक है. कौन सी है सेकेंड हाइएस्ट पीक, केटू. और कौन सी रेंज में है, ये कराकोरम रेंज में है. और हमारी फर्स्ट हाइएस्ट पीक कौन सी थी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वो थी माउंट एवरेस्ट. ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ एशिया. ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ एशिया की कौन सी है, केटू. ठीक है, तो ये इसमें आपको दिखाया गया है. देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेजर पीक्स कौन सबसे पहले है, माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848 मीटर जो कि नेपाल में है. उसके बाद है केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, इसकी हाइट है 8611 मीटर जो कि पीओके में है, मीन्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें केटू है. और उसके बाद है कंचनजंगा जो कि है 8586 मीटर, वो इंडिया में है. ओके, तो उसके बाद है पूर्वांचल रेंज. इसमें क्या क्या है, द पूर्वांचल रेंज लाइज अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है यहाँ पे हमारी ये पूरी पूर्वांचल रेंज है. दीज रेंज आर नॉट वेरी हाई. ये जो रेंज है वो बहुत हाई नहीं है. देयर एवरेज हाइट्स इज लेस देन 3000 मीटर. जो इनकी एवरेज हाइट है वो कितनी, 3000, और जो हाईएस्ट रेंज थी उनमें 8000 के अबव ही थी. तो दे आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट. यहाँ पे भी क्या है, बहुत घने जंगल हैं ये जो हमारी पूर्वांचल रेंज है इसमें भी. अब देखिए आप में इसको दिखाया गया है, इस जो पूर्वांचल रेंज में है उसमें हमारी कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. ये सारे स्टेट्स हमारी पूर्वांचल रेंज में आती हैं. ओके, द पूर्वांचल रेंज. ओके, ये हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद है लाइफ इन दीज इन द रीजन. इस रीजन में लाइफ कैसी है, मीन्स लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या उगाते हैं, ये सभी इनके बारे में बताया. तो फर्स्ट है हिमाद्री रीजन इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. दिस मेक्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव हियर. तो सबसे पहले हिमाद्री रेंज है, जो रीजन है हमारा हिमाद्री रेंज का, वहाँ पे क्या है, थ्रू आउट द ईयर बहुत ठंड रहती है. इसी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए वहाँ सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होता है. द वुलर एंड द डल आर लेक आर द टू फेमस लेक इन जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर जो एरिया है उसमें दो फेमस लेक्स हैं, एक तो वुलर लेक और दूसरी है डल लेक.
houseboats and shikaras are found here. Houseboat and shikaras किसको बोला गया है? यहाँ पे ये जो नाव चलती हैं, इनके नाम उनके ही नाम हैं, houseboat और शिकारा. Tourism is the main source of income in this region. Means जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए source of income क्या है? Tourism means यहाँ पे जो लोग पर्यटक आते हैं, जो देखने के लिए आते हैं जम्मू और कश्मीर को, उन्हीं से उनकी मेन इनकम होती है. पीपल ऑफ द स्टेट कीप कांगरी स्मॉल पॉट विद बर्निंग कोयल अंडर देयर लूज आउटर गारमेंट्स टू कीप देमसेल्फ वार्म. तो ये बताया गया है, जो हमारी हिमाद्री रेंज है, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है, वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे लोगों को कांगड़ी नाम की एक स्पेशल पोर्ट होती है, ये देखो यहाँ पे दिखाई गई है. तो ये जो अपने लूज गारमेंट्स पहनते हैं उनके अंदर उसको रखते हैं, जिसमें बर्निंग कोयल होता है. और क्यों रखते हैं? ताकि वो उनको गर्माहट दे सके, उनको शरीर को गर्म रख सके. द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर ईद एंड शिवरात्रि. तो यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किए जाते हैं, मनाए जाते हैं? ईद और शिवरात्रि. वुमेन इन सिक्किम वियर अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बाकू. तो सिक्किम की जो औरतें होती हैं, ये देखो आपको दिखा है, ये लॉन्ग स्कर्ट जो इन्होंने पहन रखी हैं, इसी को इन्होंने बताया है बाकू. लाइफ इन द रीजन. देयर आर मैनी ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस इन द हिमाचल रेंज सच एज शिमला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली, विच आर ऑल्सो ए मेजर टूरिस्ट स्पॉट. तो जो ये ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस हैं हिमाचल रेंज में, कौन कौन से हैं? शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, ये सारे हिल स्टेशन हमारे हिमाचल रेंज में हैं. इसके बाद है मसूरी एंड नैनीताल आर द पॉपुलर हिल स्टेशन हेयर. और भी पॉपुलर हिल स्टेशन हैं, कौन कौन से हैं? मसूरी है, नैनीताल है. दार्जिलिंग इज द वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर इट्स टी प्लांटेशन. तो दार्जिलिंग करके एक जगह है जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में. ये भी एक हिल स्टेशन है और ये अपनी टी प्लांटेशन के लिए, मीन्स कि चाय की खेती के लिए बहुत फेमस है. थिक फॉरेस्ट एंड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द शिवालिक रेंज. क्या है जो शिवालिक रेंज है, उसमें बहुत घने जंगल हैं, वन हैं, और बहुत सारे जीव जंतुओं की वैरायटीज वहाँ पे पाई जाती हैं. स्लोप ऑफ दीज माउंटेन्स आर यूज फॉर टेरेस फार्मिंग. तो मीन्स इन माउंटेन्स में जो स्लोप होते हैं, कैसे होते हैं, ये टेढ़े स्लांट होते हैं, वहाँ पे क्या की जाती है? टेरेस फार्मिंग, मीन्स सीढ़ीदार खेती जिसको बोलते हैं, वो की जाती है. जैसे आपको इन पिक्चर्स में दिखाया गया है, कैसे इस तरह की खेती, इस तरह की जो टेरेस फार्मिंग यहाँ पे होती है, ऐसे स्लांट में. ठीक है. कैटल रियरिंग इज कॉमन इन द रीजन. और इसके अलावा क्या करते हैं, जो पशु होते हैं उनको पालते हैं. देयर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन द दिस रीजन. तो ये जो शिवालिक रेंज वाला रीजन है, इसमें क्या है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, उसके बाद असम में है आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क. ठीक है. तो ये सब इसी शिवालिक रेंज में है. हाई माउंटेन रेंज एंड पीक्स ऑफ द हिमालयाज एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट इनमीज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ अवर कंट्री. तो जो हाई माउंटेन रेंज है, मीन्स जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और इसकी जो चोटियाँ हैं हिमालय की, वो एक बैरियर की तरह, मीन्स एक वॉल की तरह काम करती हैं. किसके लिए? हमारे दुश्मनों के लिए. और प्ले एन इम्पोर्टेंट, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं हमारे देश की सुरक्षा में. इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, मीन साइबेरिया की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, या फिर ठंडी हवाएं हैं, उनसे हमारे देश को प्रोटेक्ट करती हैं. द हिमालयाज प्रिवेंट रेन बियरिंग यानी कि मानसून क्लाउड्स फ्रॉम एस्केपिंग नॉर्थवर्ड बियॉन्ड्स इंडिया. उसके अलावा क्या करती हैं ये जो हिमालय की हाई माउंटेन रेंज है, वो क्या करती हैं, जो मानसून क्लाउड्स हैं उनको नॉर्थ की तरफ जाने से रोकती हैं, ताकि पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश हो सके.
दिस कॉजेज रेनफॉल इन द एंटायर नॉर्थ इंडिया, और इसकी वजह से कि पूरा जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे बारिश होती है, मतलब मॉनसून के टाइम में बारिश होती है. द हिमालयज आर द सोर्स, मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. कौन है हिमालय? सोर्स किसके लिए है? पानी के लिए, इन नदियों के लिए, क्योंकि हिमालय पे बहुत सारी स्नो है, बर्फ़ है, उसकी वजह से वहाँ पे ग्लेशियर जो मेल्ट होते रहते हैं और पूरे साल इन रिवर्स को पानी मिलता रहता है. दीज रिवर्स मेक्स अवर लैंड फर्टाइल, और ये जो रिवर हैं, ये नदियाँ हैं, वो क्या करती हैं, हमारे लैंड को, हमारी भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, मीन्स उनको फसलें उगाने योग्य बनाती हैं. ठीक है, ओके. तो ये हमने अपना फर्स्ट चैप्टर नॉर्थन माउंटेन कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. स्टे हैप्पी एंड हेल्थी. थैंक यू.